को आपको कहाँ अप्लाई करना है, ये जो आप देख रहे हो ना ये कॉन्टूर एरिया बोलते हैं, यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे। देखो यहाँ तक बहुत लोग मुझसे पूछोगे कि मैम क्यों इस तरह से क्यों, जब आप इसको ट्रिम कर लेते तो आप इस तरह से इसको शी बना दो। देखो इस तरह आई होता है ना उसपे हम जो सबसे पहला कलर लगाते हैं वो मैट लगाते हैं मेकअप वैनिटी ब्रश को। आप एक लाइनर ब्रश रख लेना, एक इस तरह का बड़ा सा ब्रश रख लेना। कैसे है आप लोग? So, आज का जो वीडियो है वो है क्या, तो मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था मेकअप कैसे करती है, मेकअप में पहले क्या लगा है बाद में क्या लगा है, तो उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड बहुत से मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप हम बिगनर्स आए मेकअप बताओ, जो बिगनर्स आराम से घर पे कर ले या फिर जो बिगनर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। तो आज का जो आई मेकअप है ना वो एक ब्राइडल के लिए आई मेकअप होगा जो कि बिगनर्स ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं, यानी कि जो बिगनर्स है जिनको आई मेकअप प्रॉपर नहीं आता उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो मैंने सोचा इस वीडियो का इंट्रो मैं ऐसे बना लेती हूँ एंड मैंने बेस मेकअप हल्का कर लिया है, लिपस्टिक लगा लिया, मैंने आई मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया, इस वजह से आपको मेरा फेस था इनकम्प्लीट नजर आ रहा हो। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपको आई मेकअप करना चाहिए। मैं आपको आई शेडो पैलेट की भी नॉलेज दे देती हूँ एंड मैं आपको ब्रशेस की नॉलेज भी दे देती हूँ, ये सब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगेगा, एकदम डिटेल में इनडेप्थ बताने वाली हूँ हर कुछ, तो प्लीज इस वीडियो को एकदम बारीकी से ध्यान से देखिएगा। जो भी ब्राइडल बनने वाली वो आराम से इस आई मेकअप को घर पे ट्राई कर सकती है अपनी शादी के दिन एंड आराम से अचीव कर सकते हैं लोगों की, बहुत ही इजी पीजी वाला लुक मैंने अचीव किया है। यहाँ पे बात करेंगे आई शेडो पैलेट की जो हमें रेकमेंड करना है ब्राइडल के लिए, तो आप ले सकते हो ये आई मैजिक का आई शेडो पैलेट, बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, ये आपको अमेजोन पे अंडर 1000 रुपीज का मिल जाएगा, इवन आपको purple.com पे मिल जाएगा, आई थिंक ये 1200-1300 वहां पे मिलेगा एंड आपको इनके साइट पे भी जाके मिल जाएगा। तो इसमें आपको मैट एंड आपको शिमरी शेड दोनों मिलते हैं। सबसे पहले आई मेकअप दिखा रही हूँ डिटेल में, तो आपको ये जरूर समझाना होगा कि इन सारे कलर को क्या बोलते हैं, किसको मैट शेड बोलते हैं एंड किसको हम शिमरी शेड बोलते हैं या शैटिन फिनिश शेड बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए ये जो कलर आप देख रहे हो, ये कलर, फिर ये कलर, देन ये कलर, देन ये सारे कलर जो आप देख, जिसमें कोई शाइन आपको नजर नहीं आ रही है उसे हम मैट कलर बोलते हैं एंड जो ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह का कलर आप देख, इसको हम शिमरी शेड बोलते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हो सैटिन फिनिश शेड, इसे पिगमेंट भी बोला जाता है। सो इसमें आपको शाइन नजर आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड ये जो आप देख रहे हो ये सारे शेड, ये सारे मैट होते हैं। हमारा जो आई होता है ना उसपे हम जो सबसे पहला कलर लगाते हैं वो मैट लगाते हैं, यानी कि कोई भी मैट शेड को यूज करते हैं एंड जो हमारा सेंटर वाला एरिया होता है वह हम कोई भी शिमरी शेड, ग्लिटर शेड, कोई भी पिगमेंट को अप्लाई करते हैं। सो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, हम जो आई मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन से कलर से स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन सबके मन में आता है। तो हम जो आई मेकअप करेंगे ना सबसे पहला जो कलर हमारा होता है वो लाइट कलर होता है। देखो लाइट ऑरेंज, लाइट पीच, लाइट ब्राउन एंड लाइट पिंक, ये चार कलर होते हैं ट्रांजिशन कलर जो कि सबसे फर्स्ट कलर स्टार्ट होता है। एंड आई मेकअप जब भी आप स्टार्ट करते हो ना तो आप एक बात का ध्यान रखोगे कि आपको देखना है आपके आउटफिट में कौन सा कलर है। फॉर एग्जांपल आपके आउटफिट पिंक कलर है तो आप पिंक कलर का भी आई मेकअप कर सकते हो या फिर पिंक के, पिंक से ही मिलता जुलता वायलेट कलर होता है तो आप वायलेट कलर का भी कर सकते हो। इवन ब्राइड को हम ब्राउन कलर का भी देते हैं तो ब्राउन भी सेफेस्ट होगा, इवन आप रेड या मरून या ऑरेंज शेड का भी दे सकते हो। सो धीरे धीरे कलर को डेवलप किया जाता है, जैसे कि पहले लाइट कलर, फिर उससे थोड़ा डार्क कलर लेंगे हम, फिर उससे थोड़ा डार्क, इसी तरह से धीरे धीरे कलर ना आई मेकअप में बिल्ड होता है। तो ये तो कुछ थ्योरी नॉलेज इसका हो गया, मैं आपको और दो पैलेट रेकमेंड करना चाहती हूँ जो कि ब्राइडल के लिए बेस्ट होंगे। पहला पैलेट है वो है हुडा ब्यूटी का पैलेट, नॉटी न्यूड पैलेट, ये बहुत ही अमेजिंग वाला पैलेट है, मैंने इसको ऑफर में लिया है हाफ प्राइस में, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना आपको बहुत अच्छे अच्छे शेड मिलते हैं, जैसे कि ये सारे आप ब्राउन कलर देख रहे हो ना ये बहुत अच्छे एंड पिगमेंटेड शेड है, तो ये मैट हो गया आपको एंड ये आपको पिगमेंट हो गए यानी कि शिमरी शेड होंगे ये सारे, तो बहुत ही अच्छा एंड वर्सेटाइल पैलेट है, आप इसको भी ले। नेक्स्ट जो कि बहुत ही फेमस पैलेट है वो है हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट, तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, इसमें आपको ये सारे मैट शेड मिल रहे हैं, ब्लैक शेड भी मिल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ये सारे आपको पिगमेंट मिल रहे हैं, शैटिन फिनिश के मक्खन की तरह ग्लाइड होते हैं,
मक्खन की तरह, तो बहुत अच्छे है ये भी, तो आप इस पैलेट को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आई ब्रशेस की बात की जाए, क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट आते हैं आप कौन सा ब्रशेस यूज करते हो, तो मैंने बहुत सारे ब्रशेस यहाँ पे लिए, बट इतने सारे आपको नहीं चाहिए, आपको पर्टिकुलर 4 ब्रश लेना है या 5 ब्रश लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। सो ये ब्रश मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है PAC का। सो आप देख सकते हो ये टेपर्ड ब्रश है, इसे हम टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। ये है PAC का ब्रश नंबर 02, एज यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मुझे ये ब्रश काफी पसंद है, आप इसको रख सकते हो, इससे ग्लिटर भी बहुत अच्छे से अप्लाई होगा एंड कोई भी मैट शेड अगर आप सेंटर पे अप्लाई करना चाहते हो वो भी बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रश है इस तरह का स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि सबसे ज्यादा काम आता है आई मेकअप करने के लिए। सो ये है बॉजे ब्यूटी का B215 नंबर, वन ऑफ द बेस्ट ब्रश, काफी अच्छा है छोटी आईज के लिए। नेक्स्ट आपको कट क्रीज करने के लिए एक ब्रश चाहिए, तो मेरे पास है बॉजे ब्यूटी का B213 ब्रश, वन ऑफ द बेस्ट ब्रश, जो कि कट क्रीज के लिए बहुत अच्छा एंड बहुत ही अच्छे से ये फाइन तरीके से कट क्रीज करता है, तो इसको भी आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए एक लाइनर ब्रश, जो कि है प्लूम कंपनी का P14, बहुत ही अच्छा वाला ब्रश है, तो आप इसको भी ले सकते हो। नेक्स्ट आपको इस तरह का रियल ब्रिशल का ब्रश चाहिए, जो कि है PAC का अगेन 06 नंबर एंड ये बहुत ही अच्छा वाला ब्रश है, तो आप इसको भी ले सकते हो। हमारे पास प्लूम में भी P24 नंबर है, जो कि स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है, आप इसको भी ले सकते हो अगर आपके पास बॉजे ब्यूटी का B215 नंबर नहीं है। मीडियम शेप का ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हो, जो कि है ब्रश नंबर 10 फ्रॉम PAC, जो कि मेरा फेवरेट ब्रश है क्रीज एरिया को डिफाइन करने के लिए, बहुत अच्छे से एंड बारीकी से जो क्रीज कलर तो होता है ना उसको ब्लेंड करता है। कुछ आइए एक पेंसिल ब्रश जो कि छोटा हो, तो ये है प्लूम का P08 नंबर, इस तरह का आप ले सकते हो। PAC का 09 ब्रश, जो कि फ्लैट काइंड ऑफ ब्रश है, इससे बहुत अच्छे से आप सिमिलर शेड को अप्लाई करोगे, तो इसको रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास एक फ्लैट शेडर ब्रश होना ही होना चाहिए, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। सो आपको ज्यादा नहीं रखना है अपने मेकअप वैनिटी में ब्रश को, आप एक लाइनर ब्रश रख लेना, एक इस तरह का बड़ा सा ब्रश रख लेना, एक छोटा ब्रश रख लेना ब्लेंडिंग के लिए, एक कट क्रीज के लिए रख लेना, इस तरह का शिमरी शेड के लिए रख लेना, एक क्रीज एरिया को ब्लेंड करने के लिए रख लेना, एक टेपर ब्रश रख सकते हो आप ग्लिटर अप्लाई करने के लिए। एंड हाँ, मैंने इसमें लोअर लैश कंप्लीट करने के लिए ब्रश नहीं रखा है, तो आप इस तरह का ले सकते हो जो कि प्लूम का है। तो इस तरह इतने ब्रश आपको चाहिए आई मेकअप करने के लिए, इतना आपके पास होना ही होना चाहिए। हम आई मेकअप स्टार्ट कर, सबसे पहले आपको कंसीलर लेना है, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन दी शेड 04, तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे आईज पे, ताकि हमारी आईज जो प्रेप हो जाए, ताकि हम जो भी आई शेडो लगाए वो अच्छे से नजर आए। कंसीलर को इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड करने से क्या होता है कोई भी एजेस कंसीलर का नहीं रहेगा एंड आपका आई मेकअप बहुत अच्छे से नजर आएगा। एंड हाँ गाइज, अगर आप बिगिनर्स है तो आप क्या करो, कंसीलर को सेट करोगे, क्योंकि होता क्या है कलर ओवर आ जाएगा तो आप ब्लेंड नहीं कर सकोगे, तो मेक श्योर आप क्या करोगे उसको अच्छे से सेट कर दोगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं आई मेकअप। तो मैं सोच रही हूँ आई मेकअप सिखाने से पहले मैं आपको सबसे पहले आई का शेप बता देती हूँ। तो मेरी आईज आपको कैसी लग रही है, मेरी नॉर्मल आईज है, आई मीन बहुत बड़ी भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमारा जो आई होता है ना उसमें कहाँ कौन सा कलर पैड करे, ये हमें समझा दो। तो ये हो गया आईब्रो, ये हो गया ब्रो बोन, ये हो गया कॉन्टोर एरिया जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये रहा, ये जो मैं खोल रही हूँ तो आपको एक लाइन नजर आ रहा है ऐसे करके, जैसे बंद कर रही हूँ मैं एंड खोल रही हूँ, ये हमारा क्रीज एरिया, ये हमारा शेडो एरिया, ये हमारा इनर कॉर्नर, लोअर लैश लाइन एंड इसे हम बोलते हैं आउटर कॉर्नर, यानी कि आईब्रो के आके जस्ट पैलर, समझ गए आप। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको आई मेकअप जो स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करोगे लाइट से डार्क या फिर आप स्टार्ट करोगे डार्क से लाइट। तो आज चलो मैं थोड़ा डिफरेंट टाइमिंग का बताती हूँ, हमेशा तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि ट्रांजिशन कलर से स्टार्ट करना है, आज मैं आप लोग को एक ऐसा आई मेकअप बता रही हूँ जो आप ब्राइडल को आराम से दे सकते हो। सो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का यहाँ पे ब्राउन काजल, जो कि आप देख ही रहो कितना अच्छा काजल है, दिख भी रहा होगा आपको। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, इस यहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम लगाते हैं कोई भी जेल लाइनर कुछ भी। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये जो मैंने ब्राउन पेंसिल आपको दिखाया है रिकॉर्ड का, सॉरी फॉरएवर 52 का, क्या करना है बहुत ही ध्यान से एंड बारीकी से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं आप लोग को। पहले आपको इस तरह से इसको अप्लाई करना है, हाफ इस तरह से,
हाफ तक ही अप्लाई कीजिएगा, मतलब आउटर इनर कॉर्नर तक मत लाइएगा ज्यादा, बस इस तरह से अप्लाई करो। अगर ये प्रॉपर नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम हम क्लोज क्लोज जहां हम लाइनर लगाते हैं अगर ये आपको उबड़ खाबड़ भी नजर आ रहा है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ब्राउन काजल को मैंने अप्लाई किया इसको आप 10 सेकेंड भी मत छोड़ना, इसको तुरंत इस तरह से ब्लेंड करना स्टार्ट करो। इस तरह से आपको क्या करना है, टिश्यू रखना है इस तरह से एंड इसको तुरंत इस तरह से इसको ब्लेंड करो इस तरह से। इस तरह से इसको ब्लेंड करो तुरंत, मतलब बिल्कुल आपको इसको रखना नहीं है, एकदम फटाफट इसको ब्लेंड करो इस तरह से। आप जितना फास्ट हाथ चलाओगे उतना अच्छा। एंड इसको आउटर कॉर्नर होता है ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ तक ला सकते हो, बस इस तरह से आपको भी छोड़ देना है, ज्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। करे हुडा ब्यूटी का ही पैलेट एंड सेम जिस कलर का हमने अप्लाई किया है काजल उसी कलर का आई शेडो लेंगे, ये कलर को ले लेना है आपको। अब क्या करना है, आपने जो अप्लाई किया था काजल उसको हल्का सेट कर दोगे इस तरह से एंड आउटर कॉर्नर से लेके इस तरह से इसको सी बना के ब्लेंड करोगे। इसको इसको कहाँ तक आपको ब्लेंड करना है, यही तक आपको ब्लेंड करना है, हाफ हाफ ऑफ द लिड तक। तो आई शेडो कलर को लेना, एक्सेसिव को डस्ट ऑफ, इस तरह से इसको तुरंत ब्लेंड करके आपको ब्लेंड 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 एंड आपको हाफ लिड तक ही इसको लाना है यहां तक। एक्सेसिव को हम फिर से डस्ट ऑफ करेंगे एंड यहाँ पे हमने कलर को दिया एंड इसको हम ब्लेंड करते करते यहाँ तक लाएंगे, हाफ आईलिड तक इस तरह से। इसको ऐसे ब्लेंड करो आप, ऐसे इस तरह से आप आईज को ऐसे स्ट्रेच कर लोगे ना हल्का तो सही रहता है ब्लेंडिंग में। इस तरह से ब्लेंड। ब्रश मैंने आपको तभी दिखाया था, ब्रश नंबर 06 वो लेना है एंड सबसे लाइट शेड पिक करना है इस पूरे पैलेट में। आपको दिख ही रहा है मैं कौन सा लाइट शेड ले रही हूँ। तो इस कलर को आपको कहाँ अप्लाई करना है, ये जो आप देख रहे हो ना ये कॉन्टूर एरिया बोलते हैं, यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। तो इस तरह से अप्लाई करना है एंड इसको ब्लेंड करना है। ब्रश चलाने का तरीका क्या होता है, देखो इस तरह से सी, या तो इस तरह से या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या सर्कुलर मोशन में। तो इस तरह से आपको इस कलर को ब्लेंड करना है। कलर को भी हम यहां तक नहीं लाएंगे, यही तक रखेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट कलर को हमने लिया एंड आराम से हमने, आप देख सकते हो मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड इस तरह से सी बना के हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको कलर को बिल्ड करना है एंड हल्का हल्का आपको अंदर की ओर आना है, ज्यादा अंदर की ओर नहीं, बस इस तरह से कॉन्टोर एरिया पे फ्री हाथ रख के इसको ब्लेंड करना है। डन, ऐसे ही करना है आपको ब्लेंडिंग। सेम हम लेंगे P24 ब्रश एंड हम पिक करेंगे स्पाइसी शेड को, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैं कौन सा कलर यूज कर रही हूँ। कलर को लेके हम जहां हमने काजल अप्लाई किया था ना वहीं पे एग्जैक्ट अप्लाई करेंगे एंड इसको हम आउटर कॉर्नर से लेकर
ये वाला जो एरिया देखो यहाँ ब्लेंड करेंगे यानी वी शेप में, इस तरह से देखो ये ऐसे हमने लिया एंड वी काइंड ऑफ बना के हम इसको ब्लेंड करेंगे देखो ऐसे। एंड ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे इसको गायब करना है, तो इसलिए यहाँ ब्लेंडिंग करनी है आप लोगों को। एंड इसको इस तरह से जो आउटर कॉर्नर वाला एरिया होता है बस वहां पे फोकस करके आपको ब्लेंड करना है, यानी आपको यही तक ब्रश को रखना है, अंदर की ओर नहीं जाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप अंदर की ओर जाओगे दिक्कत आएगी, तो यहाँ बस कलर को रखना है इस तरह से। एंड इसको इस तरह से ब्लेंड करोगे देखो यहाँ तक। हमने ब्लैक आई शेडो को लिया है हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट में से सेम पेंसिल ब्रश जो कि है P08 नंबर ब्रश। एंड इस कलर को हम अप्लाई करेंगे जहां पे हम लाइनर लगाते हैं, यानी कि लैसेस से क्लोज क्लोज रख के आपको इसको अप्लाई करना इस तरह से, एंड इसको स्मश करके आपको ब्लेंड करना है। आपको क्या करना है, अनटेम शेड को लेना है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने कौन सा शेड को लिया हुआ है। एंड फिर से हम क्या करेंगे, जहां हमने ब्लैक कलर को अप्लाई किया था वहां पे इसको अप्लाई करके ब्लेंड करेंगे। आज का जो आई मेकअप है वो एक स्मज लुक है यानी कि स्मोक लुक है, तो इसमें आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका ब्लेंडिंग जितना अच्छा आपका आई मेकअप उतना अच्छा, तो ब्लेंडिंग पे फोकस करना है। तो हम इसको फिर से ब्लेंड करेंगे इस तरह से। ब्लेंड करने के बाद लुक कितना अच्छा है, कितना प्यारा लुक लग रहा है एंड कितना ब्लेंडेड लुक लग रहा है, मतलब ये ब्लेंडेड बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आपको इसी तरह से आई मेकअप करना, आई मेकअप का सही तरीका यही होता है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से दिख रही है ना तो समझ जाओ आपका आई मेकअप अच्छा है, तो मेक श्योर ब्लेंडिंग पे जरूर फोकस कीजिएगा। देखो क्या कमी आपको लग रहा है ब्राइडल के आई मेकअप में, क्या कमी लग रहा है एक शिमरी शेड का, तो आप कोई सा भी शिमरी शेड ले सकते हो। तो मैंने इसी पैलेट से यूज किया है नॉटी न्यू पैलेट से टेंट्रिक शेड को, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन सा शेड है। तो इस शेड को हम लेंगे फ्लैट शेडर ब्रश से, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। एंड इसको हम अप्लाई करेंगे ये वाले एरिया पे, ये आप सेंटर वाला एरिया देख रहे हो, इसे हम शेडो एरिया बोलते हैं, यहाँ हम शिमरी शेड को अप्लाई करते हैं। तो इस शेड को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इस तरह से, देखो इस तरह से अप्लाई करो आप। इस तरह से आप स्मोक लुक कर रहे हो, तो अगर आपका जो ये शिमरी शेड है ना प्रॉपर नहीं भी लग रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। आपने जहां ब्लैक आई शेडो लगाया वहां नहीं लगाइएगा, अदरवाइज वो ब्लंडर दिखेगा। लेना स्पाइसी शेड को या फिर अनटेम शेड को फ्रॉम नॉटी न्यूड पैलेट। एंड क्या करना है आपको, शिमरी शेड एंड ये जो आपने मैट शेड लगा इन दोनों के बीच एक लाइन दिख रहा है, एकदम पैची लग रहा है, तो इसको तुरंत आपको इस तरह से ब्लेंड करना है। तो इस तरह से इसको ब्लेंड करोगे आप, इस तरह से वी काइंड ऑफ बना के। आप चाहे तो P24 ब्रश भी यूज कर सकते हो एंड नॉटी शेड को ले सकते हो जो कि सबसे लाइट शेड है, अगर आपको और ज्यादा डार्क नहीं करना है। एंड इस तरह से इसको ब्लेंड कर दो लास्ट में ऐसे। एंड हल्का आउटर कॉर्नर को भी ब्लेंड कर दो। आप क्या करोगे, ये जो एरिया देख रहे हो इसको ब्लेंड कर दोगे इस तरह से। कोई भी कलर मैंने ब्रश में नहीं लिया है, बस मैं इस तरह से लेके इसको ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह का ना आई मेकअप पर्सनली बहुत पसंद है, कुछ डिफरेंट मैंने आज आप लोग बताया, हमेशा कट क्रीज हाफ कट क्रीज ये सब बताती रहती हूँ, तो मैंने सोचा इस तरह का बताती हूँ जो कि थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। कहती है लोअर लैश लाइन की, तो लोअर लैश लाइन के लिए आप यूज कर सकते हो स्पाइसी शेड को, अनटेम शेड को एंड नॉटी शेड को। तो मैं पेंसिल ब्रश ले रही हूँ PSC का 08 नंबर एंड मैं स्पाइसी शेड को ले रही हूँ एंड मैं इस तरह से लोअर लैश लाइन पे
इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। एक बात का ध्यान रखना है आपको, आप लोअर लैश लाइन पे काजल लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। आजकल काजल इतना ज्यादा नहीं चल रहा है तो मैं काजल को स्किप कर रही हूँ एंड मैं बस इस तरह से न्यूड ही छोड़ दूंगी, यानी कि कुछ भी मैं अप्लाई नहीं करूंगी। आप न्यूड कोल या न्यूड कोई भी पेंसिल लगा सकते हो बट मैं ऐसे ही रहने दूंगी। तो सबसे पहले मैंने स्पाशी शेड को लोअर लैश लाइन पे लगा के इस तरह से इसको स्मर्श किया। इसको भी ऐसे ऐसे करके देखो, इस तरह से ब्रश चला के आपको कंप्लीट करना है। 24 ब्रश जो कि बहुत यूजफुल ब्रश है, इस आई मेकअप में बहुत यूज भी हुआ है। तो सबसे लाइट शेड को पिक कर लो, एरोज शेड को, एंड इसको आप इस तरह से लोअर लैश लाइन पे स्मर्स करते हुए ब्लेंड कर लो इस तरह से। ग्लिटर की कमी आप लोग को भी लग रही है एंड मुझे भी लग रही है, जी हाँ। तो हम सेंटर पे अप्लाई करेंगे ग्लिटर लैसेस इनर कॉर्नर ब्रो बोर्ड एंड हमारा आई मेकअप डन हो जाएगा एंड आप देखना कितना ब्यूटीफुल लगेगा। तो सबसे पहले हमें इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेना है एंड ब्रो बोन को हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि हम इसको क्यों ही रहने दे। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बबली शेड को ले रही हूँ सेम हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड लाइट शेडो पैलेट में से, जो कि एक सिल्वर शेड है एंड इसे हम बोलते इनर कॉर्नर। तो यहाँ पे इस शेड को अप्लाई करेंगे इस तरह से सी बना के आपको अप्लाई करना है एंड ये होता है ब्रो बोन। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। आप ब्रो बोन को हाईलाइट करते हो तो आप मेक श्योर करोगे, आप ले लोगे फिर से एरो शेड को सेम फ्लफी ब्रश 06 नंबर पीएसी का एंड ब्रश से ब्लेंड कर दोगे, क्योंकि आज हम हर कुछ ब्लेंडेड बता रहे हैं। मतलब ये ब्लेंडेड होता है ना, स्मोक काइंड ऑफ आई मेकअप है ब्राइडल के लिए। लाइनर भी आपको लगाना है लास्ट में, बट हम अभी नहीं लगाएंगे लाइनर, क्योंकि लैसेस लगाने के बाद भी आप लाइनर लगा सकते हो। तो ग्लिटर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ LIT का ग्लिटर इन दी शेड शैम्पेन विशेज। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैम कौन सा शेड है, कौन सा शेड है, आप कौन सा ग्लिटर अप्लाई करते हो। तो आज मैंने आपको एकदम डिटेल में एकदम जूम से दिखा दिया। एंड प्राइमर के लिए मैं PSC का यूज करती हूँ ग्लिटर प्राइमर, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे से आपके ग्लिटर को स्टिक करता है। बहुत लोग टू वे जेल यूज करते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो यूज करना है आप वो यूज करो। तो मैं इस तरह का ब्रश ले रही हूँ एंड मैं पहले क्या करूंगी, ग्लिटर प्राइमर को अप्लाई करूंगी सुई का R8 ब्रश। सो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लिटर प्राइमर को अप्लाई करेंगे। तो ग्लिटर प्राइमर कहाँ देना है आपको, ये सेंटर पे आप देख रहे हो, तो इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है एंड तुरंत आप फिंगर से भी इस तरह से ब्लेंड कर दोगे ताकि कोई भी लाइन ना दिखे, एज इज ना बने। कर रही हूँ टेपर्ड ब्रश में ग्लिटर को ले रही हूँ इस तरह से, आप देख सकते हो PSC का 02 ब्रश है, क्योंकि इससे एक स्मज लुक आता है, एक स्मोक लुक आता है। तो हम इस ग्लिटर को इस तरह से अप्लाई कर देंगे। सो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से इसको पैटिंग मोशन में अप्लाई किया है, इस तरह से पैट करके। आप में से बहुत लोग मुझसे पूछोगे कि मैम क्यों इस तरह से क्यों, क्योंकि इससे ना एक मतलब मैं कैसे बोलूं, स्मोक लुक आ रहा है आप देख सकते हो। एंड पर्सनली ये आई मेकअप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इस तरह का आई मेकअप करना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये आई मेकअप हर कोई कर सकता है, डेट्स वाई मैंने ये वाला आज आई मेकअप आपसे शेयर किया एंड मैं अपनी ब्राइडल को भी देती हूँ। तो इस तरह से आपको पैटिंग मोशन में इसको बस अप्लाई कर देना, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है एंड इसके बाद कोई लाइन भी नहीं बनता है। समटाइम्स होता है ना लाइन एक बन जाता है ग्लिटर का, वो नहीं बना है एंड आपको जो भी फॉल आउट था उसको क्लीन कर दीजिएगा इस तरह से। इस आई लुक का जो दूसरा नेम है ना वो सॉफ्ट आई लुक बोल सकते हो आप, सॉफ्ट एंगल आई लुक, क्योंकि हमने एक एंगल शेप में बनाया इस तरह से, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हो सॉफ्ट एंगल आई लुक। बहुत ही प्यारा एंड ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। अब हम लगाएंगे मस्करा के लिए, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा फेवरेट मस्करा, जो कि मैं आजकल बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, जो कि है ब्रांड फ्रॉम मेबलिन
ये है मेबरिन का स्काई हाई मस्करा, बहुत ही अच्छा वाला मस्करा है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छे से वॉल्यूम भी देता है। सो मैं इस मस्करा को अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आपको लैसेस लगाने से पहले मस्करा जरूर लगाना है, बहुत लोग बाद में लगाते, आप पे डिपेंड करता है, आप बाद में भी लगा सकते हो। सो इस तरह से मस्करा को आपको अप्लाई करना है। आएंगे लैसेस, तो बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम आप लैसेस का भी डिटेल वीडियो दो, तो चलो थोड़ा बहुत मैं आज आपको दिखा देती हूं, अदरवाइज एक डिटेल वीडियो जरूर आएगी लैसेस के ऊपर। लैसेस मेरे पास तीन चार ऑप्शन है, तो देखो मैं जैसे इस लैसेस को रख रही हूँ, तो क्या आपको लग रहा है ये मेरा आई मेकअप को छिपा रहा है, तो ये लैसेस मुझ पे सूट नहीं करेगा। जो लैसेस आपकी आई मेकअप को छिपा देते हैं ना, वो लैसेस को आप यूज मत करो, आपको स्मॉल यूज करना है, ताकि क्या हो आपका जो आई मेकअप है वो दिखना भी चाहिए ना, तो लैसेस हम अब छोटा वाला यूज करेंगे, ये हमारे आईज पे नहीं जाएगा। सो जैसे देखो मैं ये वाला लैसेस अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको, सो ये लैसेस काफी अच्छे से मेरे आईज पे जा रहा है, एंड ये मेरे आई मेकअप को भी नहीं छिपाएगा अगर मैं दोनों तरफ से कट कर दूं, मतलब ये बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं, तो ब्राइडल पे आराम से ये वाला लैसेस चला जाएगा, तो इसको हम कट करेंगे दोनों साइड से। ये रहा लैसेस, आप देख सकते हो, तो हम इसको इधर से कट करेंगे, मैं इनर के पास से कट कर दूं ताकि एक लिफ्टेड लुक लगे, तो आपको सीजर लेना है एंड आपको थोड़ा सा इस तरह से ट्रिम करना है। मेरी आईज छोटी है तो ज्यादा बड़ी लैसेस अच्छी नहीं लगेगी, तो इस तरह से ट्रिम कर दिया। चाहे तो अगर आपको अभी भी बड़ा लग रहा है ना, तो आप हल्का हल्का ऐसे करके भी जस्ट लाइक नोचिंग, जैसे हम हेयर में करते हैं ना, उसी तरह से इसको हल्का ट्रिम कर सकते हो। तो ट्रिम कर लेते तो आप इस तरह से इसको शी बना दो, देखो इस तरह से शी बना दोगे ना, तो इससे क्या होगा जो आपका लैसेस होगा वो बहुत अच्छे से स्टिक होगा, तो इस तरह से इसको कर्व कर दो इस तरह से। ये आई विल रिकमेंड PSC ग्लू विच इज वेरी वेरी गुड ग्लू। सो यहाँ पे हम ग्लू को अप्लाई किया जाता है पीछे वाले बैंड में, देखो इस तरह से, ये पीछे वाला बैंड दिख रहा है यहाँ पे, आपको आउटर ये रहा एंड इनर के पास ज्यादा ग्लू को लगाना है। सो इसको हम रहने देंगे एटलीस्ट 50-60 सेकंड। यहाँ पे सबसे पहले आप लैसेस को लगाओगे, देन आप लगाओगे इनर पे, देन आउटर पे, तो इसी तरह से मैं लगाती हूँ। ट्वीजर ले लो एंड ट्वीजर में इस तरह से लैसेस को आप रखोगे, इससे क्या होगा बहुत इजीली ये लग जाएगा। आपको क्या करना, इस तरह से इसको आप रखोगे ना लैसेस को, तो बहुत अच्छे से लैसेस लगेगा। तो आप सबसे पहले इस तरह से रख दो, जैसे मैंने रखा, आई क्लोज करो, आउटर कॉर्नर पे लगाओ, ट्वीजर की मदद से इनर के पास लगाओ, आई क्लोज करो, एंड ये जो देख रहे हो ट्वीजर का पीछे वाला पॉइंट, इससे आप प्रेस करो इस तरह से, ट्वीजर लो एंड अंदर की ओर इसको, इस तरह से भी आप प्रेस कर सकते हो, एंड आप देख सकते हो हमारा लैसेस लग गया। एंड लैसेस लगने के बाद ये आई मेकअप bomb.com लग रहा है। फिनिशिंग के लिए आप आईब्रोज को स्पूली से इस तरह से कॉम आउट कर दो, इससे जो भी आई शेडो इसके ऊपर लग गया होगा वो गायब हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से भी इसको लिफ्ट कर सकते हो ऐसे, देखो स्पूली से। मेकअप ट्रस्ट में ये आई मेकअप को आप जरूर करो, अपने ब्राइडल को दो, बहुत पसंद करेंगे। एक बार फिर से आप मस्करा का कोट लगा सकते हो इस तरह से। मेकअप ऑलमोस्ट डन है, मैंने आपको क्या बोला कि आप लाइनर लगा सकते हो फिनिशिंग के लिए, तो मेरे पास है रेने का लाइनर, एंड हम क्या करेंगे एक पतला सा एकदम लैसेस से क्लोज इस तरह से क्लोज रख के
को अप्लाई कर देना, इससे आई मेकअप और ज्यादा फिनिशिंग से नजर आएगा। सो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ बस फिनिशिंग दिखाने के लिए लास्ट में, इस तरह से जो मैंने बेस मेकअप किया था। फाइनल रिजल्ट आपके सामने है गाइस। कैसा लगा आपको ये वाला आई मेकअप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। मेरे ख्याल से आपके लिए जरूर से जरूर ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी ब्राइडल मेरे पास आते हैं ना, सबको ये आई मेकअप डेफिनेटली पसंद आता है, क्योंकि इस आई मेकअप में ना कुछ भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, एक होता है ना बहुत ओवर भी नहीं है, तो इसको करवा सकता है, क्लाइंट की शिकायत भी नहीं आएगी जब आप ये आई मेकअप उनको दोगे, क्योंकि ये ओवर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी तरफ ना ओवर नहीं चलता है। तो इस आई मेकअप को बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं, जो प्रो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको जूम से थोड़ा सा फ्लॉन्ट करके दिखा देती हूँ। सो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इतने दूर देखने के बाद, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के प्यार दीजिए इस वीडियो को जो भी ब्राइड बनने वाले, एंड मुझे जरूर बताइए कमेंट करके ये आई मेकअप आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बड़ा सा लाइक दे ही दीजिएगा, कमेंट कर ही दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा। तो लव यू ऑल, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि फ्री होता है सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।